दोस्तों, अगर आप लोग को भी चीजें याद नहीं होती है, चीजें याद तो होती हैं बट बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर भूल जाती है तो दोस्तों उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, इसीलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स बताने के लिए जो आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इन तीन टिप्स को जो भी मैं यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ, अगर इन टिप्स को आपने रेगुलर बेसिस पे लगभग 21 दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों आपका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, आप चीजें बहुत जल्दी याद कर पाएंगे और भूलना तो भूल ही जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आइए देखते हैं हम। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने बहुत अच्छे टिप्स लेके आया हूँ, जिस टिप्स का यूज करके आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये हर एक स्टूडेंट की लाइफ का प्रॉब्लम होता है, हर एक कॉलेज स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, हर एक स्कूल स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि आपने भी देखा होगा कि जो चीजें हम याद करते हैं वो चीजें हमें बहुत जल्दी भूल जाती है दोस्तों, हमारे माइंड में बैठ नहीं पाती है। तो इसी चीज का सोल्यूशन आप लोग के सामने मैं आज लाया हूँ। ये तीन टिप्स अगर आपने डेली रेगुलर बेसिस पे 21 दिन तक अगर आपने कर लिया तो आप खुद देखेंगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। यकीन मानिए दोस्तों, 21 दिन के अंदर आप जो आज हैं वो नहीं रहेंगे, आपके मेमोरी पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आप चीजें जल्दी जल्दी से याद कर पाएंगे और इतनी जल्दी याद कर पाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इन्हीं टिप्स के बारे में कि वो कौन से थ्री टिप्स है जिसको यूज करके हम अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उन्हीं तीन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने वाली है। तो पहला टेक्निक है हमारा, जो फर्स्ट ट्रिक है, हमारा जो फर्स्ट टिप्स है वो है विजुलाइजेशन टेक्निक। तो फर्स्ट है विजुलाइजेशन टेक्निक एंड सेकंड इज लिसनिंग, जी हाँ दोस्तों लिसनिंग, एंड थर्ड टिप्स जो है हमारा मेमोराइजिंग द वर्ड। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तीन टिप्स के यूज करके हम अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन करके इन ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इनका यूज करके हम अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है दोस्तों विजुलाइजेशन टेक्निक। विजुलाइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है, हमें किस तरह इसे यूज करना है अपने डेली लाइफ में। देखिए दोस्तों, जितने भी टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे, उन टिप्सों को आपको डेली बेसिस पे लगभग 21 दिन, ना कि दोस्तों 21 दिन ही, आप उससे आगे भी कर सकते हो अगर आप अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, किसकी कोई सीमा ना हो, कोई लिमिट ना हो। तो दोस्तों इसको 21 दिन से ज्यादा करना, लगभग आप अगर 2 से 3 महीने करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा गुना बदला हुआ देखेंगे, अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा शार्प देखने वाले हो। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले टेक्निक के बारे में, विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो फर्स्ट है विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसे किस तरह से यूज करना है दोस्तों, आप लोग को शांति से आराम से बैठना है एक जगह पे, एकदम शांति से अपने आंख को बंद करना है और 5 मिनट रिलैक्स करना है, अपने माइंड को एकदम शांत करना है दोस्तों, बहुत ज्यादा शांत करना है। जब तक माइंड रिलैक्स ना हो जाए तब तक विजुअलाइजेशन टेक्निक स्टार्ट नहीं करनी है। तो दोस्तों इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, जब आपका माइंड एकदम शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उस समय आप अपने माइंड में आपकी फेवरेट चीज की डायग्राम को बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी फेवरेट चीज, जो भी आपका फेवरेट चीज है, जैसे कि मैं एप्पल सोचता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कार सोचता हूँ, तो कार अपने माइंड में कार को ड्रॉ करिए, कार बनाइए, जो भी आपने कार की पिक को देखा होगा कार की पिक को बनाइए और उसके बाद उसको अपने मन पसंद से कलर कीजिए, उसके टायर्स को देखिए, उसके कलर्स को देखिए, विजुअलाइज फील करिए दोस्तों, फील, आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करके उस चीजों को फील करेंगे उतनी ज्यादा आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक स्ट्रांग होगी दोस्तों। यही रीजन होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हम चीजों को विजुलाइज करके याद नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इस टेक्निक को यूज करना है, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तुरंत हमें उस मूवी याद हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम उस चीज को विजुलाइज करते हैं, क्योंकि हम उस चीज को देख पाते हैं। तो उसी तरह से इस टेक्निक में यूज करना है दोस्तों, हमें चीजों को देखना है ना कि दोस्तों समझना है, हमें चीजों को देखना है, बहुत ज्यादा डीप तक देखना है। तो दोस्तों अपने आप को बंद करना है और अपनी फेवरेट चीज के बारे में सोचना है और उसको इस हद तक सोचना है, इतनी बुरी हद तक सोच रहा है कि वो चीजें आपको रियलिटी में दिखने लग जाए, आपके माइंड में रियलिटी जैसे एकदम कलर इमेज बन जाए उस चीज का, और तब तक करना है जब तक 5 से 10 मिनट बीत नहीं जाते। और 5 से 10 मिनट दोस्तों आपको उसी टेक्निक, उसी कार के बारे में सोचना है, आपको जो भी आपका जो भी फेवरेट चीज है उसी के बारे में सोचना है, और ठीक 5-10 मिनट बाद अपनी आंखों को आप खोलेंगे और देखेंगे कि आपके माइंड में थोड़ा सा एक एनर्जी महसूस करेंगे दोस्तों। आपको ये टेक्निक डेली करनी है, 5 से 10 मिनट डेली आपके बेसिस पे करना है 21 डेज तक, फिर देखिए अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो आप कंटिन्यू कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही, क्योंकि ये टेक्निक बहुत सारे लोगों ने यूज किया है और बहुत सारी चीजें पा ली है। तो आइए दोस्तों, अब हम सेकंड टेक्निक की बात करते हैं, वो है लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग एक बहुत बड़ा टेक्निक हो सकता है हमारे माइंड के लिए। तो दोस्तों ये विजुलाइज करके आपके माइंड का कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड चीजों को याद करना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आइए दोस्तों सेकंड ट्रिक्स की बात करते हैं, वो है हमारा लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग, आप चीजों को सुन के भी अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हो बहुत ज्यादा हद तक। आइए दोस्तों कैसे समझते हैं इसे,
तो दोस्तों आपको करना ये है कि अपने दाएं कान के, अपने दाएं ईयर के इस कान को बंद कर लेना, ठीक है। अपने दाएं कान के ईयर को या तो आप किसी चीज से, काकुस से बंद कर लिए या अपने फिंगर से इसको बंद कर लीजिए, बट क्लोज इस तरह से करना है कि इस कान में आपका आवाज, किसी सराउंडिंग का आवाज इस कान तक पहुंच ना पाए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने लेफ्ट कान के जरिए चीजों को सुनना है और आंख को बंद करना है और बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीजों को सुन के उसे डिफरेंस बताना है कि ये कार की आवाज है, ये किसी रोने के बच्चे की आवाज है, ये किसी टेलीफोन की आवाज है या किसी मोबाइल की आवाज है, ये टीवी की आवाज है। दोस्तों ये टेक्निक आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेट को इतनी बुरी हद तक बढ़ा देगा दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी तरीके से आप फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आपको ये टेक्निक भी 5 से 10 मिनट डेली करनी है, अपने राइट कान को बंद करना है और बारीकी से बारीकी चीजों को सुनना है, जहां तक आप सुन पाए वहां तक सुनना है। इसी टेक्निक को दोनों कान से करना है आपको, एक बार राइट कान को बंद करके और एक बार लेफ्ट कान को बंद करके, और ये दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा दोस्तों आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आप चीजों को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे दोस्तों, और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आप कम से कम 5 से 6 घंटे डेली का पढ़ सकते हो। अगर आपने इस टेक्निक को कंटिन्यू किया तो आप और ज्यादा इसमें मास्टर होते जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब थर्ड टेक्निक की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड टेक्निक है, मेमोराइजिंग द वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, मेमोराइजिंग वर्ड में ये बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये टेक्निक रियली बहुत ज्यादा बेस्ट है, और मुझे, मैं तो कहूंगा आप इस टेक्निक को करिए। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको एक पेज लेना है, उस पेज पे कम से कम 20 से 30, स्टार्टिंग दिनों में आप 10 वर्ड लिखिए, फिर आप 15 लिखिए, फिर 20 करिए, फिर 25, फिर 30, ऐसे कर करके आप डेली रूटीन को आप पढ़ाते जाइए। इतने वर्ड को लिखने के बाद आप इसको विजुअलाइज करेंगे, इन वर्ड को विजुअलाइज करके एक स्टोरी बना के अपने माइंड में सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेमोराइज करके स्टोरी बना के अपने माइंड में सेट करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने कोई 5 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, कार हो गई। अब इसको हम किस तरह से स्टोरी बना सकते हैं, तो आपको इनकी, जो भी मैंने अभी वर्ड बोला, इन वर्ड को आपको क्या बोला है, स्टोरी बनाना है। इन वर्ड को इमेजिन करना है कि एप्पल किस तरह से दिखता है, चेयर किस तरह से दिखता है, पेन किस तरह से दिखता है, कार किस तरह से दिखता है। इनको विजुअलाइज करिए और एक इमेज बनाइए। इनकी इमेज बनाने के बाद आप इसको स्टोरी के रूप में देखिए कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एप्पल चेयर पे गिरा और चेयर पेन में कन्वर्ट हो गया। पेन में कन्वर्ट होने के बाद मैंने उस पेन को जैसे ही खोला, वो कार बन जाती है दोस्तों, कार बन जाती है। आप मेरे दोस्तों, आप किसको नहीं याद हुआ रहेगा, रियली आप खुद से पूछ के देखिए, जो भी मैंने स्टोरी बताई आपको याद हुआ रहेगा कि एप्पल जो है वो चेयर पे गिरता है, चेयर से वो पेन में कन्वर्ट होता है, पेन को जैसे मैं खोलता हूँ वो कार बन जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और ऐसे ही आप करके डेली इस रूटीन को बढ़ाते जाइए, और एक दिन आएगा कि आप 100 वर्ड बहुत ही कम मिनटों में याद कर पाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए। और जैसे ही इस टेक्निक पे आप मास्टर हो जाते हैं दोस्तों, आप मेमोराइजिंग नंबर्स भी कर सकते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। मैं आपके यहाँ सामने खड़ा हूँ, मैं 60 से 70 वर्ड नंबर्स याद कर सकता हूँ विद इन 4 या 5 मिनट्स के अंदर। आपको भी दोस्तों ये नंबर याद हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग हूँ, मुझे याद हो सकता है, आपको भी याद हो सकता है। जैसे ही आप इसमें मास्टर हो जाते हैं दोस्तों, आप मेरे ही प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे, मैंने वहां पे 1 to 100 वर्ड को याद करने की टेक्निक बताई हुई है। वहां पे आप देखेंगे, वहां पे मैंने बताया हुआ है 1 to 100 कि किस तरह से नंबर्स को बहुत ही कम समय याद कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, करना यहाँ पे ये है कि आप कोई वर्ड नंबर को लीजिए, उस नंबर को किसी वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और उस वर्ड को मेमोराइज करिए। मेमोराइज करने के बाद दोस्तों अपनी आंख को बंद करिए, मेमोराइज करने के बाद एक लंबा स्टोरी बनाइए दोस्तों, बहुत सारे नंबरों का एक लंबा स्टोरी बनाने के बाद आप उसको रिकॉल करिए दोस्तों। ये टेक्निक करने के बाद आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी और आप चीजों को बहुत जल्दी मेमोराइज कर पाएंगे दोस्तों। ये 3 टिप्स थे मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही एक ऐसी की है जो आपको आगे तक बढ़ा सकती है। तो इन 3 टिप्स को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि जब तक आपको लगता नहीं है कि आप अब कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक करिए दोस्तों जब तक आपको लगता नहीं कि आप, मैं एक कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ इस एनर्जी को लेकर और मैं चीजों को बहुत जल्दी मेमोराइज कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये ट्रिक्स थे मेरी तरफ से, आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको मेमोरी से जुड़ी चीजें, और आपको मेमोरी किस तरह से बढ़ानी है, इस मेमोरी से जुड़ी चीजें जो भी आपको चाहिए, तो दोस्तों इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, एंड अगर कुछ भी डाउट होता है या आपको किसी अदर टॉपिक पे कुछ भी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।